हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिंपल माहेश्वरी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है फर्स्टक्राई पे। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस बार क्लोथ्स के लिए श्योर एंड श्योर शॉप करने वाली हूँ। एंड दिस टाइम आई शॉप फॉर अ कपल ऑफ टी शर्ट्स एंड एक टॉय, जस्ट वन टॉय, नॉट मोर देन दैट। तो मैं शो करूँगी आपको कैसे हैं कैसे नहीं। ये सिंपल नॉर्मल टी शर्ट्स मैंने ऑर्डर किया अपनी बेटी के लिए। एंड लेट गेट स्टार्टेड वन बाय वन। So, my first t-shirt pack is, it's a pack of two actually। जब मैंने order किया था ना तो I just saw this one and मैंने बहुत ऐसे thoroughly देखा कि order करते हैं size। इस ये है guys, palm tree half sleeves printed top, pack of two, one is navy blue and the one is peach। and ये 308 rupees की मुझे दो t-shirts पड़ी हैं। actually मेरे daughter का size इसमें है 18 to 24 months, बिकॉज वो बहुत हेल्दी नहीं है जबकि वो 2 साल से बड़ी है। बट गाइस, इन टी शर्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें ना, यू कैन सी दिस, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं ये। ऐसी नहीं है कि हल्की है, छटकने वाली है, कुछ भी है ऐसा। दिस इज 24 साइज एम एंड नीचे से हल्की सी, पीछे वाली साइड हल्का सा बड़ा है, आगे थोड़ा छोटा है। सो दिस इज़ द वन पीस एंड दोनों का स्टाइल अलग है। इसके अगर आप शोल्डर्स देखें थोड़े फोल्डेड हैं, बहुत ही क्यूट सा। इस पर लिखा है लेट द वीकेंड बिगन। सो ये मेरी बेटी की बहुत अच्छी फिटिंग में आई। दिस इज़ द फर्स्ट टी शर्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि आगे से छोटी है, पीछे से लंबी है। बहुत क्यूट सा स्टाइल है। एंड इसका है लाइन कीप काम एंड स्माइल लाइक यू मीन इट, लाइक यू मीन इट। बहुत प्यारी वर्डिंग्स लिखी हैं। सो इसके स्लीव जो है वो थोड़े और डिफरेंट हैं। इसके में लाइक बॉर्डर दिया है, उसके फोल्डेड हैं। सो दीज आर द टू टी शर्ट्स सेट ऑफ टू एंड दे कॉस्ट मी रुपीज़ 308 रुपीज़। सो काइंड 154 का एक टी शर्ट है। बट अगर मार्केट में लेने जाते हैं आपको 150 में कोई भी नहीं देने वाला, 300 या प्लस की देगा। सो दिस इज़ अ गुड बाय फ्रॉम फर्स्टक्राई। एंड माय सेकंड वन इज, इट्स नॉट अ टी शर्ट, इट्स अ टॉप। इट्स फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग। बेबी हग की जो है कपड़े, बेबी हग, टॉफी हाउस, इन सब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे वो ककम्बर है। इसका प्राइस है, आई गेस इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका प्राइस है 249 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट। और ये भी 18 to 24 मंथ वाले बच्चे की है। इसके जो स्लीव्स हैं गाइस, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही क्यूट हैं, गर्लिश हैं और ये जीन्स के साथ बहुत अच्छे से जाने वाली है। इसके ऊपर ट्राइगर और एक छोटा सा बर्ड प्रिंट किया हुआ है और ये भी मेरी बेबी की अच्छे से फिट आई। इसका जो टेक्सचर है ना, है सभी प्योर कॉटन। ये थोड़ा पतला कॉटन है, वो थोड़ा मोटा है, बट थोड़ा फैंसी है उससे। तो दिस इज़ द सेकेंड। इनका एक्चुअल प्राइस है गाइज 249 ही है एक्चुअल प्राइस भी, लाइक प्रिंट रेट वाला ही मिला मुझे, कुछ ऑफर नहीं था। यस हाँ, इसमें कोई ऑफर नहीं है, जीरो ऑफर पे है ये वाली। एंड माय थर्ड वन इज, इट्स आल्सो फ्रॉम बेबी हग एंड इट्स अ बेबी हग हाफ स्लीव्स टीबी प्रिंट। इट्स अ रॉयल ब्लू कलर एंड इट कॉस्ट रुपीज 208। सभी इस तरह की बहुत प्यारी सी बेबी हग की पैकेजिंग में आई है। इसका प्राइस है 249 रुपीज़, जिसमें आपको ऑफ मिला है 208 के पड़े आपको, ये 41 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट है। ये एक्चुअली बहुत ही बॉयश लुक आ रहा है इसका और ये थोड़ी बड़ी है। ये एक ही ब्रांड, आई थॉट एक ही ब्रांड है तो आना चाहिए। क्वालिटी वाइज टी शर्ट बहुत अच्छा है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्चर, और इसके ऊपर बहुत क्यूट सा बी है, एज क्यूट एज कैन बी, ठीक है। बट ये मेरी बेटी की फिटिंग नहीं है तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ या फिर एक्सचेंज साइज इसका चेंज करवाने वाली हूँ। तो दिस इज़ माय थर्ड प्रोडक्ट। क्वालिटी अच्छा है, बस ये मेरा साइज नहीं है। सो दिस इज़ आई एम गोना चेंज दिस, इन्हें आने वाला है। उसके बाद गई मैंने एक और टी शर्ट ली है विच इज़ ऑल्सो ब्लू इन कलर एंड दिस इज़ द बेबी हग हाफ स्लीव्स एंड इट्स अ मेलन प्रिंट। इसका जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत पसंद आया था। ये नेवी ब्लू है, वो रॉयल ब्लू है। ये भी बेबी हग की है एंड इस पर बहुत प्यारा वाटरमेलन बना हुआ है, वन इन अ मेलन। ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये आजकल बहुत ट्रेंडी लगती हैं। इसकी फिटिंग भी गाइस अच्छी आई थी। आई डोंट नो इसकी और इसमें क्या डिफरेंस है, बट इसकी फिटिंग अच्छी आई है एंड
कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्वालिटी वाइज नो इशू, कहीं से कुछ भी नहीं है। मैंने सारी टी शर्ट्स को अच्छे से एक बार खोल के देखा था और उसको पहना के भी देखा था, बट शी डोंट वॉन्ट टू गेट यू नो क्लिक, सो अदरवाइज मैं पिक्चर आपको साइड में दिखाती हूँ उसकी। सो दिस इज ऑल्सो अ थम्स अप फ्रॉम मी एंड आफ्टर दैट आई हैव अनदर टी शर्ट विच इज इट्स टेडी हाफ स्लीव्स टी गर्ल प्रिंट पिंक एंड इसका प्राइस है 160 rupees। इसमें मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है, एक बेबी पिंक कलर का देखा मैंने ऐसे। एंड इसका साइज है गाइस 50 cm, इट्स 100% कॉटन। इसका कॉटन और बेबी हाफ का कॉटन में डिफरेंस है, बेबी हाफ का इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। अगर 160 rupees का तो मार्केट में आपको 150-200 मिल जाएगा। बहुत प्यारी से डॉल्स बनी हुई हैं, ग्लिटरी शिमरी है, घर पहनने की सबसे बहुत अच्छी है। सो ये मैंने पहना के नहीं देखी क्योंकि दो टी शर्ट्स मेरे पास अभी आई हैं और मेरी बेटी सो रही है तो मैंने पहना के नहीं देखी, तो ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है उससे, इसी ये भी शायद वापस करनी पड़ेगी मुझे। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो रिटर्न करने एक्सचेंज करने के बाद में शायद आ जाएगी, इससे कम चौड़ी है ये आ जानी चाहिए। एंड दिस इज माई सेकेंड लास्ट, लाइक दिस इज माई थर्ड लास्ट प्रोडक्ट। आफ्टर दैट आई हैव ऑर्डर्ड अनदर टी शर्ट विच इज सिंपली हाफ स्लीव टॉप किटी प्रिंट येलो एंड इट कॉस्ट रुपीज 195 rupees। ये है सिंपली ब्रांड से एंड 100% कॉटन जो बता रही हूँ। एंड इसका पैकेजिंग अच्छा है, इसके अंदर एक पेपर भी है, लाइक बहुत क्यूटली पैक किया हुआ है। एंड इसे बहुत प्यारी क्या बनी हुई है, किटी बनी हुई है जो साइकिल चला रही है। ये मुझे लग रही है बहुत बड़ी, बट इसके स्लीव्स अगर आप ध्यान से देखें तो गर्लिश है, थोड़ा सा ऐसे इसको कप शेप दिया हुआ है, पीछे से सभी प्लेन है आगे से सब ऐसी हैं। सो दिस इज माय सेकंड लास्ट बट इन क्लोज दिस इज माय लास्ट वन। एंड एक्चुअली वीडियो बड़ा बन जाता, मैंने और भी टी शर्ट्स ऑर्डर किए हैं, वो अभी आएंगी तो मैं उसका पार्ट टू बनाने वाली हूँ। सो कलर्स ऑलमोस्ट सबके नेवी ब्लू ज़्यादा हो गए हैं, बट जो आ जाएगा वो रख लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा है, बच्चों के हिसाब से सॉफ्ट है, प्रिंटेड है, कुछ हार्श नहीं होने वाला है। अगर हम इसके अंदर भी देखो ना, किसी भी टी शर्ट में आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइक बेबी को कुछ हार्म नहीं होने वाला है। एंड घर के लिए लूज फिटेड कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुंबई ठंड तो पड़ती नहीं है तो ऐसे चाहिए। आई नो और नॉर्दर्न साइड में ठंड आने लग गई है तो पीपल वांट टू थिंक कि क्या कर रहे हो इतनी ठंड में ऐसे कपड़े। तो आफ्टर दैट द माय लास्ट थिंग इज, लास्ट टाइम मैंने एक डॉक्टर से ऑर्डर किया था जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, आई थॉट कि मैं महंगा लूँगी अच्छा लूँगी तो बढ़िया होगा। आई ऑर्डर दिस मेडी प्लस किट, इट्स अ 255 rupees डॉक्टर सेट। मैं इसको खोल के देखा भी है बट गाइस दिस इज नॉट वर्थ पेइंग 255 rupees। सिर्फ और सिर्फ इसका सूटकेस बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ अच्छी क्वालिटी का, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। लाइक अगर आप टॉकिंग अबाउट इंजेक्शन, लग ही नहीं रहा होगा तो उसमें रह ही नहीं रहा, गिर रहा है, ठीक है। स्पेक्स हैं उसके फिर भी अच्छे थे, जो मैंने लास्ट टाइम 160 something ऑर्डर किया था, इसका तो बिल्कुल ही कहीं भी जा रहा है, लाइक सी सो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मतलब दिख रहा अच्छा है और मुझे लगा अच्छा होगा। और इसमें एक चीज़ जो मुझे लाइक समझ में नहीं आई कि क्या इशू है, जैसे फर्स्ट टाइम एक बार मैंने वो कैपिटल लेटर्स का वुडन बॉक्स लिया था, इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें इस पर इसको मिटाया हुआ है, लाइक इसका प्राइस जो है एमआरपी है जो हटाई हुई है। आई एम श्योर कि इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है बट इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा लगाया है एंड ये उतरा हुआ ही आया था। एक बार तो मुझे लगा कॉल करके पूछूं, फिर आई थॉट कि नहीं देखती हूँ शायद अंदर से प्रोडक्ट अच्छा हो, बट अंदर से प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही लाइट हैं। कंपेयर करूँ मैं पुराने उसके डॉक्टर सेट से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर इसके हाफ प्राइस में मिले ना तो भी ना मिलूँ। सो दिस इज़ नॉट वर्थ बाइंग। इसका पूरा नाम क्या था, इट्स अ 255 rupees प्रोडक्ट एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो इसको भी मैं शायद रिटर्न करने वाली हूँ बिकॉज ये अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज, कुछ स्टेडी हो खेलने जैसा वो तो होता है। सो दीज आर माई फर्स्ट टाइम शॉपिंग फॉर दिस टाइम। अभी मेरा एक पार्सल और आएगा, उसमें एक टॉय है, जस्ट वन टॉय,
एंड कुछ टी शर्ट्स और हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.